Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. New just for you, just born kids toys. ARK Giri, सिल्क एंड सारी CMCGB मीटिंग कैंसिल मेंबर्स ने कहा पहले वाइस प्रेसिडेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्लियर करे फिर मीटिंग ली जाए। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज में आपका स्वागत है। नागालैंड CMC की ओर से 21 फरवरी 2023 को CMC प्रेसिडेंट द्वारा जीबी मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन मेंबर्स ने इस मीटिंग को कैंसिल किया। मेंबर्स का कहना है कि 15 दिसंबर को वाइस प्रेसिडेंट के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन डाला गया जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का जवाब नहीं आता तब तक कोई जीबी मीटिंग नहीं होगी। 15 दिसंबर का नो वाइस प्रेसिडेंट में नो कॉन्फिडेंस हाकि देव, नो कॉन्फिडेंस हाकद अदरद आंसर कोडल्देने इवरेन माडर होत तिंगळ एरडने तारीख मत जीबी इटकोंडरु, ಅದು ಜಿ ಬಿ ಅಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲ್ದೇ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಲನೂ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಮ್ಯಾಗ ಅದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಇವ್ರು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲಕ್ಕ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು 4 ದಿವಸದಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇ ಬಂದದ, ಆ ಸಲಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಲೇಕಿನ್ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಕಾ ಜವಾಬ್ ನಾ ದೇತೆ ಹುವೇ 2 ಜನವರಿಗೂ ಜಿಬಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ರಖಿ, ಉನ್ಕೋ ಭೀ ರದ್ದ ಕಿಯಾ ಗಯಾ, ಫಿರ್ 15 ಫೆಬ್ರವರಿಗೂ ಭೀ ಜಿಬಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬುಲಾಯಿ ಗಯಿ और 21 फरवरी को जीबी मीटिंग बुलाई गई थी, इसे पोस्टपोन किया गया। मेंबर्स का ये भी कहना है, हाईलाइट इंडस्ट्री AAC ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्ट योर ड्रीम होम विद क्वालिटी प्रोडक्ट, ड्रीम होम फर्निशिंग, कर्टन एंड सोफा, हाजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ब्यूटीफुल होम फॉर सेल विद ऑल फैसिलिटी। मेंबर्स का ये भी कहना है कि जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन वाइस प्रेसिडेंट का जवाब नहीं आता तब तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाती है। CMC प्रेसिडेंट द्वारा बार बार जीबी मीटिंग रख रहे हैं, इसीलिए हमने हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लाए हैं, इसलिए इस मीटिंग को पोस्टपोन किया गया है और कहा कि जब तक वाइस प्रेसिडेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन क्लियर नहीं होता तब तक कोई मीटिंग नहीं होगी। जो जनरल बॉडी मीटिंग बुलाया गया था, इससे पहले हम 2 महीने पहले उपाध्यक्ष के खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन हम वो किए थे, एप्लीकेशन दिए थे अध्यक्ष के पास, जबकि उनको उनका वक्त था 1 महीने में उन्होंने मीटिंग बुलाना चाहिए था। अगर से उन्होंने 1 महीने में नहीं बुलाया तो उसको कमिश्नर को पावर रहता है कि उन्होंने मीटिंग बुला सकते हैं उनके आदेश के ऊपर। ये रहने के बावजूद जब हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर रहे थे उसके बावजूद के हिसाब से दूसरा जनरल बॉडी मीटिंग नहीं कर सकते, जबकि वो या तो विड्रॉल होना है या तो वो मूव होके वो सोहम इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस फर्नीचर द डायमंड टैटू स्टूडियो एंड प्रेसेस वो पास होना या फेल होना है, वो रिजल्ट आना है, उसके बाद दूसरा मीटिंग कर सकते हैं। इसके बावजूद लास्ट टाइम में 21 डेट को एक बार उन्होंने उसको उल्लंघन करके 21 तारीख को मीटिंग बुलाए, उन्होंने ही बुलाए, जब उन्होंने किसी को लीगल एडवाइज़र को पूछ के वो मीटिंग कैंसिल ऑटोमेटिकली विड्रॉल हुआ। फिर राज जो सो क्या करे बोले तो 4 दिन पहले फिर नोटिस इशू करे, जबकि उसको 7 दिन बिफोर हमारे को क्लियरेंस होना है एज पर कानून के हिसाब से, हमारे को बाई पोस्ट रजिस्टर मीटिंग का आना था, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हुए सिर्फ 4-5 दिन पहले किसी को मीटिंग दिए। अभी कुछ लोगों को नोटिस ही नहीं पहुँचा, हमारे कुछ काउंसलरों को नोटिस ही नहीं पहुंचा है, उन्होंने देने का किसी का भी सिग्नेचर लेने का चलने का, एटलीस्ट म्यूनसिपल काउंसलर को उनको फ़ोन करना है और उनका सिग्नेचर लेना पड़ता है। वो ये सब उल्लंघन करते हुए अपनी मर्जी से ऐसे चलाते मीटिंग काटे हैं, ये कानून विरोध रहने से आज कोर्ट को हमारे सभी लोग हम सब मिलकर कोर्ट को जाके उसके ऊपर स्टे लाए हैं। ये तात्कालिक हुआ है, जब तक नो कॉन्फ्रेंस मोशन का एक नतीजा नहीं पहुँचता जब तक दूसरा नहीं काट सकते। और एक उसमें इशू ऐसा रहता है कि हर एक चीज़ को जीबी बोलने का चल रहा है, जीबी ऐसा नहीं रहता है। एक इशू के लिए एक स्पेशल मीटिंग कर सकते हैं कि बात उठाए तो जीबी उठाने का पब्लिक का पैसा टैक्स भरे सो एक एक मीटिंग का 1-1.5 लाख रुपए खर्चा आता है, किसके बाप का पैसा खर्च जाता है, ये लोगों का ये भी सोचना पड़ेगा ना। इनको जनरल बॉडी मीटिंग का मालूम नहीं ना स्पेशल मीटिंग का मालूम नहीं, चौप मीटिंग बोलते जीबी चालू, वही इशूज़ 24/7 आज तक जो सो 12 जनरल बॉडी मीटिंग में 24/7 का इशू आया है। क्यों नहीं नतीजे पर पहुँच रहे, उसका एक रूल्स रहता है, मेजोरिटी से पास करना पड़ता है हाथ उठा के। इनको कुछ नहीं कॉम्प्लेंट के जैसा, सिर्फ चर्चा करने का छोड़ देने का, मेजोरिटी से प्रस्ताव ने पास करने का सीखे ही नहीं लोग। कानून क्या है देखिए, उसके हिसाब से म्यूनसिपाल्टी का एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, चलाने वाले भी वो हिसाब से चलाना पड़ता है। इनको मीटिंग करने का मालूम नहीं, प्रस्ताव ने कैसा पास करना वो भी मालूम नहीं, सिर्फ आए तो झगड़े, कहीं पर प्रोसीडिंग फाड़ा जाता है, कहाँ लेके मीटिंग छोड़ के भागा जाता है, यही चल रहा है। ये इसमें पूरा हमारा डेवलपमेंट का टाइम वेस्ट कर रही है। 5वां बार मीटिंग है, 15th फाइनेंस SSFC का मीटिंग बुलाना ये 5वां टाइम है। 3 बार झगड़े में उठा के अध्यक्ष चले गए, वो या फाड़े या ऐसे ही लपड़े करते हुए चले गए, 2 बार उसके जब नो कॉन्फिडेंस मोशन डाला है चुपी बुला रहे मीटिंग,
पहले डालो ना उसका नो कॉन्फ्रेंस मीटिंग, बुलाओ, बुला के उसका रिजल्ट होने दो, उसके बाद बुलाइए आप जी। नो कॉन्फ्रेंस मोशन उपाध्यक्ष के लिए डाले हैं, जबकि जो सो हम उस टाइम में जब बाई इलेक्शन हुआ था तिपरांत का, जब हम जो सो वो उस कैंपेन में थे, उस टाइम में हमने वहाँ पे लोगों को आश्वासन दिया था कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं रहने के बावजूद उस टाइम में एक MIM का कैंडिडेट को जो सो उपाध्यक्ष बनाया गया था, हमारे जो सो फूले बोल के जो सो उस टाइम में जो सो बाई इलेक्शन में हम आश्वासन देने के बाद उन्होंने जीते और जीतने के बाद उनको उपाध्यक्ष बनाएंगे बोल के हम आश्वासन दिए था, उसके हिसाब से उनको कितने दिन भी होना था उनको बिठाना, हम जबान दिए था उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, पार्टी के हित में काम कर रहे हैं।